हेलो एवरीवन लेट अस सी फ्यूचर पर अब हमारे जहन में एक सवाल आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कहा करते हैं कोई भी चीज जो हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते फ्यूचर में होने वाली हो जो शुरू हो चुकी हो और खत्म हो गई हो वो चीज़ हम बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ सपोज आपका कल एग्जाम है और आप उसके बारे में सोच रहे हो वो एग्जाम खत्म हो गया है तो आप उसके बारे में जब बात करते हो तो आप कैसे कहोगे कि अब तक मैंने एग्जाम खत्म कर लिया होगा मेरा एग्जाम खत्म हो गया रहेगा ऐसे चीजों को ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं नाउ लेट अस सी सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के आठ प्रकार होते हैं जिसको टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु स्पीक्स जो व्यक्ति बात करता है उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई एंड प्लुरल्स में भी प्लुरल में आता है वी देन कम्स सेकंड पर्सन

के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है दे नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ग थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया आठ तरह के सब्जेक्ट होते देन कम्स टू टू बी बी नाउ हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब को मदद करता है उसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब मैंने यहां पे वी लिखा है वी थ्री मीन्स वॉट पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ग

एज ए हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करने वी शाल गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वी थ्री का फॉर्म है तो हम यहाँ पे वी थ्री फॉर्म यूज करने वाले इसी अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस अगर मेरा सेंटेंस ही शी यू दे सैम और इट से शुरू होगा तो उस वक्त मैं विल का इस्तेमाल करता हूं उसके तुरंत बाद विल के तुरंत बाद मैं हैव का इस्तेमाल करता हूं तो मेरा सेंटेंस कैसे साउंड होता है सैम विल हैव गॉन टू स्कूल अंडरस्टूड ना अस सी सम एग्जांपल फॉर दिस फॉर एग्जाम्पल आई शाल हैव प्लेड फुटबॉल वी शाल हैव प्लेड फुटबॉल हमें एक चीज ध्यान में रखनी है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से आई वी यू दे ही शी अगर कोई नाम रहे तो उसके तुरंत बाद हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं बट जो इंग्लिश हम आज तक सीखते आ रहे हैं उसके रूल के हिसाब से आय और वी रहे तो हमें शाल का इस्तेमाल करना रहता है और बाकी सबके लिए हमें विल का इस्तेमाल करता है बट मॉडर्न इंग्लिश हमें यह कहता है कि आप विल का इस्तेमाल और वी के लिए भी कर सकते हो समझे ठीक सी सम नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही फॉर्मूला लिखते हैं बट इसमें थोड़ा सा बदल करेंगे हम देखिए अगर मेरा सेंटेंस आई वी से शुरू होता है तो मैं शाल इस्तेमाल करना हूं अब मुझे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या कर रहा हमारा फॉर्मूला कहता है शाल हैव बट अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मुझे नॉट का इस्तेमाल करना है सेंटेंस में बट वो कहा करना है ये बहुत जरूरी है शाल और हैव के बीच में अगर आप नॉट डाल देते हो तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है अंडरस्टूड सो so, सेंटेंस कैसे आएगा वी शाल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल सिमिलरली अगर आपको नॉट के बजाय उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो उसे कहा जाता है शांत शांत ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है तो सेंटेंस कैसे साउंड होगा वी शांट हैव प्लेड फुटबॉल अंडरस्टूड नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल फॉर दिस अगर मेरा सेंटेंस ही शी सैम यू दे इट से अगर शुरू होता है तो उस वक्त मैं विल हैव हाँ का इस्तेमाल करता हूं और मुझे उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं विल के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करता हूं so, मेरा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है तो सेंटेंस कैसे साउंड होगा दे विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल अंडरस्टूड मुझे विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करना तो वो आता है वोंट वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है तो सेंटेंस कैसे साउंड होगा दे वोंट हैव प्लेड फुटबॉल अंडरस्टूड नाउ लेटस सी सम एग्जाम्पल विद ट्रांसफर सम सेंटेंसेस इंटू नेगेटिव सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल आई शाल हैव प्लेड फुटबॉल यहाँ पे देखिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है मैंने इसको उठाया और यहाँ पे लाके पटक दिया अब मैंने क्या चेंज किया इसमें आपको ये नोटिस होगा मैंने अपर्मेटिव सेंटेंस को जैसे तैसा रख दिया है सिर्फ शाल के तुरंत बाद मैंने नॉट का इस्तेमाल किया जैसे मैं नॉट का इस्तेमाल करता हूँ वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है

का शॉर्ट फॉर्म क्या है शांट मैंने ये यहां पे यूज किया है तो सेंटेंस वुड बी साउंड लाइक दिस आई शांट हैव प्लेड फुटबॉल सी अनदर एग्जांपल वी शाल हैव प्लेड फुटबॉल वी शांट हैव प्लेड फुटबॉल यू विल हैव प्लेड फुटबॉल यू वोंट हैव प्लेड फुटबॉल यहां पे देखिए विल नॉट का विल नॉट का हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है जो वो है वोट

क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई मैंने क्या किया सब्जेक्ट का और टू बी का इन दोनों की जगह एक दूसरे से बदल दी मतलब ये जो टू बी यहां है इसको कट कर देना है और सब्जेक्ट और टू बी की जगह एक दूसरे से बदल देनी है और वो सेंटेंस बन जाता है क्वेश्चन नाउ सी अन एग्जांपल फॉर दिस प्लेट फुटबॉल शाल वी हैव प्लेट फुटबॉल हमने क्या किया सिर्फ ये दोनों की जगह एक दूसरे से बदल दी यहां पर देखिए आप नोटिस कर सकते हो वी शाल शाल वी आई विल शाल आई Understood? See another example for this. Similarly, here we will talk about this. You will have played football. Will you have played football? They will have played football. Will they have played football? He will have played football. Will he have played football? She will have played football. Will she have played football? Sam will have played football. Will Sam have played football? Understood? Thanks for watching my video. Please subscribe and like the video. Thank you very much.